नमस्कार दोस्तों, अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि विंडोज 11 में मल्टीपल डेस्कटॉप बनाकर काम करते हैं, इससे क्या होता है कि हमें काम करने में आसानी भी होती है और हम एक कंप्यूटर पर अलग अलग डेस्कटॉप बनाकर काम कर सकते हैं। इससे एक डेस्कटॉप पर ब्राउजर खोल लेते हैं, दूसरे पर वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं और तीसरे चैनल पर यूट्यूब स्ट्रीमिंग या गेमिंग स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे डेस्कटॉप बना सकते हैं। मैं आपको विंडोज 11 प्रो में ये सब करके दिखा रहा हूँ। आप इसे विंडोज 11 के होम वर्जन में भी कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की ओर। आपको इसका आइकन नीचे टूल बार वाली लाइन पर दिख जाएगा और इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। हमें अगर न्यू डेस्कटॉप एडिट करना है तो हमें प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। इससे आपके न्यू डेस्कटॉप क्रेडिट होते जाएंगे। आप इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप 1 को रीनेम कर देता हूँ एसके अजमेरा, और सेकेंड पर अजमेरा, तीसरे पर गेमिंग। ऐसे हम अलग अलग नाम से भी बना सकते हैं और हमें जिस डेस्कटॉप पर काम करना है उस पर क्लिक कर लेंगे और हम इसमें अलग अलग वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। इस तरह हम ब्राउजर खोल लेते हैं, इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं फेसबुक खोल लेता हूँ, दूसरा गेमिंग के लिए रख लेते हैं, तीसरा एडिटिंग के लिए रख लेते हैं। ऐसे हम मल्टी डेस्कटॉप बना सकते हैं। एक शॉर्टकट की भी है, अगर आपको एक दूसरे पर डाइवर्ट होना है तो डेस्कटॉप 1 पे है और आपको सेकंड पे जाना है तो आपको कंट्रोल विंडो राइट की प्रेस करना है, इससे आप अगले वाले डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपको वापस, अगर आप 4 डेस्कटॉप पर है और आपको 3 वाले डेस्कटॉप पर जाना है तो आप वापस कंट्रोल विंडो लेफ्ट की पर प्रेस करिए। आप ऐसे एक दूसरे डेस्कटॉप पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको इनको बंद करना है तो आप कंट्रोल विंडोज F4 क्लिक करिए, इससे आपकी डेस्कटॉप बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 डेस्कटॉप खुले हुए थे, अब 3 रह गए हैं। दोबारा मैं विंडो अल्ट F4 क्लिक करता हूँ, लास्ट वाला डेस्कटॉप बंद हो गया है। इसी तरह फिर हम कंट्रोल विंडो F4 क्लिक करते हैं, फिर हमारा सेकेंड डेस्कटॉप भी बंद हो गया है। इस तरह आप इन्हें बंद कर सकते हैं और क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप विंडोज 11 में न्यू डेस्कटॉप क्रेडिट करके काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट करें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।